बिहारी बाबू के साथ पांड्या ने भी कर ली तौबा तौबा। नीता अंबानी को दे दिया सबसे बड़ा सदमा, रातों रात ले लिया ऐसा फैसला, उड़ गए रोहित सूर्या के भी होश। श्रीलंका दौरे के बीच पांड्या ने सबको चौंकाया, मुंबई इंडियंस के फैंस को रुलाया, आईपीएल से पहले कर दिया बड़ा ऐलान, ईशान किशन संग छोड़ेंगे नीता अंबानी का साथ। पहले पांड्या ईशान फिर रोहित शर्मा ने उड़ाई दिग्गजों की नींद, दिखेगा मुंबई इंडियंस में अब गजब का सीन। नीता अंबानी हो गई परेशान, सूर्या को लगा दिया सीधे फोन। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। जिस दोस्ती की मिसाल जय वीरू रोहित कोहली की दी जाती है, कुछ वैसे ही पांड्या और बिहारी बाबू की दोस्ती है, क्योंकि हमेशा पांड्या ने बिहार के लाल ईशान किशन के साथ ऐसी दोस्ती निभाई जिसकी चर्चा हमेशा छिड़ी रहती है। लेकिन हाल ही में दोस्ती का ऐसा फर्ज निभाया गया जिसने पूरे क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया। ईशान किशन का श्रीलंका में सिलेक्शन नहीं हुआ तो पांड्या ने अपने फैसले से सबको हैरान कर दिया। रोहित कोहली देखते रह गए, नीता अंबानी ने सोचा भी नहीं होगा कि हार्दिक पांड्या ऐसा झटका देंगे कि पूरी मुंबई इंडियंस की टीम एक झटके में बर्बाद हो जाएगी। जी हाँ, जो आपने सुना वो बिल्कुल सच है, मुंबई इंडियंस का साथ अब हार्दिक पांड्या छोड़ देंगे, जिसके बाद बिहार के लाल ईशान किशन भी नीता अंबानी के साथ नाता तोड़ देंगे। इधर टीम इंडिया श्रीलंका में झंडा गाड़ने गई हुई थी कि उधर हार्दिक पांड्या को लेकर आई खबर ने रोहित सूर्या को भी परेशान कर दिया, क्योंकि रोहित सूर्या भी इसी टीम का अहम हिस्सा है। अगर पांड्या भी साथ छोड़ देंगे तो ये पक्का है कि टीम पूरी तरह से बिखर जाएगी, जिसके पीछे की सबसे बड़ी वजह रोहित है, इसके बारे में आगे आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आईपीएल के 18वें सीजन के लिए देश में अभी से हलचल शुरू हो गई है। सभी टीमों ने अपने चहेते खिलाड़ियों को शामिल करने के लिए एडी का जोर लगा दिया है। खबर आ रही है कि मुंबई इंडियंस की टीम स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को ट्रेड करने की फिराक में है। ऐसे में देखना काफी दिलचस्प होगा कि पांड्या को आखिर कौन सी टीम अपने खेमे में शामिल करने में कामयाब हो पाती है। यही नहीं, खबर तो ये भी आ रही कि आशीष नेहरा भी गुजरात टाइटंस को छोड़ किसी अन्य टीम में जाने तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें, आईपीएल 2024 के आगाज से पहले मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को ट्रेड करते हुए अपनी टीम की कमान सौंपी थी। इस दौरान उनकी अगुवाई में एमआई का प्रदर्शन कुछ खास नहीं था। फ्रेंचाइजी ने पिछले सीजन में कुल 14 मुकाबले खेले थे। इस सीजन उन्हें महज 4 मुकाबलों में जीत नसीब हुई थी, जबकि 10 मुकाबलों में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। नतीजा ये रहा कि टीम ने पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले पायदान पर रहते हुए अपने सफर का अंत किया था। इस दौरान हार्दिक पांड्या को भी काफी परेशानियां झेलनी पड़ी थी, जिसमें सिर्फ इकलौते ईशान किशन ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने उनका साथ दिया था। अब जब पांड्या मुंबई का साथ छोड़ेंगे तो वहीं ईशान किशन भी नीता अंबानी को झटका दे सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर मुंबई इंडियंस की टीम को पांड्या छोड़ते तो अपने बेड़े में शामिल करने के लिए गुजरात टाइटंस की टीम पूरी जी जान झोंक देगी। इसकी वजह उनका जीटी की तरफ से बतौर कप्तान खेलते हुए शानदार प्रदर्शन है। पांड्या ने गुजरात के लिए शुरुआती 2 सीजन में कप्तानी की थी। इस बीच उनकी अगुवाई में टीम का प्रदर्शन काफी सराहनीय था। टीम ने 2022 में सबको चौंकाते हुए ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था, जबकि 2023 में उप विजेता रही थी। अब अगर पांड्या गुजरात टाइटंस में जाते हैं तो ये पक्का है कि ईशान किशन भी जरूर जाएंगे। वहीं पांड्या ईशान किशन के साथ साथ रोहित शर्मा भी मुंबई इंडियंस का साथ छोड़ने वाले हैं। क्रिकेट जगत में चल रही खबरों के माने तो रोहित लखनऊ की टीम में शामिल हो सकते हैं, जो नीता अंबानी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि तीनों खिलाड़ी अगर साथ छोड़ देंगे तो मुंबई की पूरी टीम तहस नहस हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।